नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग मौजूद हैं न्यू सुभाषपल्ली 11x4 वार्ड जयगांव 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र से, और आप सभी को जो दृश्य दिखा रहे हैं दोस्तों, यहीं पे बगल में एक मंदिर है। यहाँ के कुछ निवासियों ने हमसे संपर्क किया था कि यहाँ के आके दृश्य दिखाया जाए, और जो दृश्य आप सभी को दिखा रहे हैं, भले वहाँ पे हम लोग मंदिर के उस पास में भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो दृश्य दिखा रहे हैं, किस तरह से एक गाय यहाँ पे जो कचरा का ढेर है उसमें से अपने लिए सेवन कर रही है, खाना खा रही है, तो यहाँ पे काफ़ी बुरा स्थिति है। लोगों का कंप्लेन है कि यहाँ पे जो कुछ बारिश या कुछ कचरा जो है, यहाँ पे नाला ब्लॉक होने के कारण यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में कचरा जमा हो गया है, और प्रशासन और ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं उनको संपर्क किया गया है, लेकिन कोई कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। चलते हैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं, और ये भी सूचना दे दे, यहाँ पे एक मंदिर है, कुछ क्षण पहले यहाँ पे कचरा भरा हुआ था, और जिसका विजुअल्स भी हम लोग साथ में आपको दिखाएंगे, और किस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस जगह को सफा किया है, और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं। काका केमन आसेन আর কি হইছে এদিকে এত জাম আছে নালা জাম আছে আমরা বিচ্ছি জন্য আমাদের মায়ের মন্দির জাম হয়ে গেছে আচ্ছা এই দিন আমরা দেখি আমাদের কুচ কলম নিজেরা আচ্ছা কুচনা আমরা মন্দির সামনে কি নোংরা রাখা যায় মন্দির তো নোংরা রাখা যায় না কুচ কলম সকাল থেকে যে এগুলো ভিতরে খাড়া খাড়ি কলম তো এই 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 কাচড়াগুলো আসলো কই থেকে আসে ওই মানে কত ওই ফলায় দেয় দেনে উপরে আসে এই কিন্তু কেউ ফলায় না ওই কি ফলায় ওই রাতে ফলায় গলে দিনে ফলায় না সরকার পঞ্চায়েত समीर उहाँ बस्छ हो पुरा असुविधा हुन्छ यहाँ हिँड्नु सिन्नु पञ्चायतले यस्तो घरमा पनि पस्यो पनि हेर्दैन पनि अनि जब भोट आउँछ त्यतिखेर चाहिँ पुरा घर घरमा आउँछ भोटको टाइममा चाहिँ यतिकै चाहिँ हेर्दैन त्यो पुरा उयो हुन्छ अघि पनि आयो केही रेस्पोन्ड नै लिएन यहाँ अब यहाँ के नाम हो तपाईँको खुसी छेत्री के गर्नुहुन्छ तपाईँ म टिचिङ कहाँ खानु और चलते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, किस तरह से ये जो नाला ब्लॉकेज होने के कारण लोगों के घर में अंदर चला जा रहा है। हैं दीदी बोलें की बोलते से अच्छा আচ্ছা এটা কে কে ফালাইতেছে আপনাদের আপনাদের কি কি অসুবিধা হইতেছে একটু জানান हजुर दिदी ड्रेन चाहिँ को सफा गर्छ अलिकति जानकारी दिनुहोस् सफा गरेर पञ्चायत त्यसै भएको त पञ्चायत पञ्चायत त्यसै भएको पञ्चायतहरूले त गर्छ हैन अरूले कोले गर्छ त पञ्चायतले जनाउनु भयो तपाईको वार्ड कुछ त ओगी बोलायो हेरेर गयो न गर्नु पर्दैन तपाईको वार्डमा त पञ्चायतै छैन किन छैन त्यो बुचीको बुढा छैन त बुचीको बुढा त पञ्चायत हैन त्यो हैन पहिला दयाल थियो हैन हजुर दयाल त अहिले के भएछ पञ्चायत समिति हो अ तपाईले प्रधानले जनाउनु भयो प्रधानले जनाउनु भयो म त गएन कोकोले गए गयो को गयो भन्नु गयो
भन्नु किन जानु पर्छ प्रधान बन्दा त यहाँ गाउँ पञ्चायतले गर्नु पर्यो नि त प्रधानलाई किन भन्नु दिदीको नाम मेरो नाम सिजोती नर्जिनारी हो तपाईँको घर चाहिँ कुन छ मेरो घर यही छ ए बोलो तुम्रा कि सकालबेला এদিকে পরিষ্কার করলা হ্যাঁ দাদা আমরা সকালবেলা সবাই আমরা পরিষ্কার করলাম তো মন্দিরটা ময়লা মানে কালকে বৃষ্টি হওয়াতে না দুনিয়ার ময়লা এদিকের ময়লা ওদিকের ময়লা সব জায়গার ময়লা এসে এখানে জমা হয়ে থাকে হ্যাঁ জমা হয়ে মন্দিরটা ভরে গেছে ভরে গেছে তো সকালবেলা উঠে আমরা মানে সবাই মিলে এসে মন্দিরটা সাফ করে দিচ্ছি এখন তো আর সাফ করা হচ্ছে না পঞ্চায়েতের কাছে যাও হয়েছিল পঞ্চায়েত বলে যে দুই তারিখের পরে কাম হয়েছে আরে পঞ্চায়েত ঠিক আছে তোমার তরফ থেকে তো কিছু করো খালি সরকারের আশা করলে হবে না ঠিক আছে পঞ্চায়েত আসছো গ্রামের লোক পয়সা যদি তোমার কাছে না গ্রামের লোকের থেকে তাহলে চান্দা উন্ডা তুই ড্রেনটা সাফা করে দিই না একটু পরে দাদা আবার বৃষ্টি হইলে দেখবো আমাদের এই গ্রামটার মধ্যে মানে ময়লা দিয়ে ভর্তি হয়ে যাবে গা হ্যাঁ তো ড্রেন ফেন বানাইছে কোনো মতলবই নেই যে ড্রেন তখন ওই যে কয়েকদিন আগে ড্রেন বানাইছে ড্রেন ভাঙে গেছে রাস্তা ভাঙা আছে কোনো ইয়েই নেই সেইভাবে বললাম যে সবাই মিলে কাজটা করে দিলে ভালো পঞ্চায়েত বলে যে পঞ্চায়েতের কাছে বলে পয়সা নাই এবার বলে আরে তোমার কাছে পয়সা নাই তো আমাদের গ্রামের লোক আছে সবাই মিলে চান্দা কালেকশন করে ড্রেনটা বানাই দেয় স্ল্যাব লাগাই দেয় তাহলে তো কেউ ময়লা সয়লা ফেলাবে না আমাদের পাড়াটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও থাকবে এতটুকুই আমার বক্তব্য নালা ভর্তি হ্যাঁ সব আর দুই তো বলতে হয় লোকে সামনে আদমি জবরা ফেকতা হয় ইতলা কি ঘরে কালো জবরা ফেকতা হয় ও নালা কা উপর ঘর ও তো কই নাই বতা রহা না যে নালা কা উপর ঘর ও না জবরা কহাঁ সে জায়গা বস কে তো আবি নালা জো জাম হো গিয়া ইসকা ক্যা উপায় হ্যায় আপকো ক্যা লাগতা হ্যায় কেসে করকে ইয়ে ঠিক হোগা ठीक कराइए साफ कराइए पंचायत साफ कराएगा ठीक कराएगा तो पंचायत को आप लोग बताया है प्रधान को आप लोग बताया पंचायत तो आएगा जाएगा करता अभी पंचायत आके देख के गया है अच्छा तो क्या बोला है अब क्या बोला नहीं बोला हम नहीं था हम घर में था इधर का लोग देखा क्या बोला नहीं बोला हाँ दादा बोलन की हुई से जगह है पंचायत तो आया था ठीक हाँ तो पंचायत बोलता है अभी हम दो तारीख के बाद हम कोई काम करता है कर सकता है दो तारीख के पहले करने से हमें केस होगा कौन बोला पंचायत समीर पाल समीर पाल फोटो खींच करके लेके गया है और ऐसे ड्रेन का ऊपर में घर बना के रखेगा तो कोई भी सफा करने में चाहे कोई चीज करने में कैसे करेगा कोई आदमी आपका नाम हमारा नाम विनोद कुमार शर्मा कहाँ घर है आपका हमारा सुभाष पंडित काली मंदिर के पास में घर है हाँ काकी की आपने किचु बोलते सिलेन बोलेन সমস্যা তো অনেক কিছুই আছে শুনতেছি রাস্তা নিয়েও সমস্যা আছে নালা নিয়ে সমস্যা আছে বিভিন্ন সমস্যা আছে এখন যে সমস্যাটা দেখা যাইতেছে যে জাম হয়েছে নালা লোকের বাড়িতে যে জলটা চলে যাইতেছে নালার জল যাইতেছে কাঁচড়া ভরে আছে মন্দিরে ঢুকে গেছিল আমি শুনলাম এই বিষয়তে একটু বলুন और दोस्तों यहीं पे बगल में एक मंदिर है काली मंदिर है और यहीं पे सुबह सुबह काफी उत्तेजना देखने को मिली थी जो कचड़ा है यहाँ पे अंबार लग गया था जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ के युवा लोगों ने यहाँ पे सफाई अभियान चलाते हुए सफा कर दिया है लेकिन सवाल ये है कि जो कचड़ा यहाँ पे जो नाला जाम हो रखा है उसको किस तरह से क्लियर किया जाए और लोगों का ये कहना है क्योंकि नया काम नहीं हो सकता इस समय क्योंकि इलेक्शन का समय है जब तक इलेक्शन प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाता तो नया काम कुछ शायद सैंक्शन ना हो लेकिन इमरजेंसी में अगर इसको साफ सुथरा करना है तो किस तरह से किया जा सकता है स्थानीय लोगों का भी इसमें काफी बड़ा भूमिका हो सकता है और जो समाज सेवी लोग हैं संस्थाएं हैं वो भी आगे आके इसको किसी तरह से भी ठीक करने के लिए इस जाम को क्लियर करने के लिए अपना पहल कर सकते हैं हमेशा ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि प्रशासन और सरकार ही इसका हल निकाले कभी कभी उदाहरण के तौर पे जैसा कि देखा जा सकता है यहाँ पे सफाई अभियान चलाते हुए मंदिर का आगे का पूरा सफाई किए हैं उसी तरह से शायद प्रशासन के साथ मिलकर और स्थानीय लोग और युवा वर्ग और तमाम समाज से भी मिलकर अगर इसको कुछ हल करने की कोशिश करें तो ज़्यादा
जल्दी और ज़्यादा बेहतर रहे, लेकिन आशाएं सबको होती है सरकार से और प्रशासन से। निश्चित रूप से प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा भूमिका है और आशा यही करते हैं कि हमारे विजुअल देखने के बाद प्रशासन इसको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करेगी और इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे काफ़ी उत्तेजना देखने को मिल रही है दोस्तों और इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं। हालांकि सड़क जो है दोस्तों, एक और विजुअल्स आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी बढ़िया सड़क बना था लेकिन ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने के कारण किस तरह से जो नाला है वो एक नदी के रूप में विशाल रूप ले लेता है और इस रास्ते को काटते हुए इसको लेके चला जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है और जब तक इसके ऊपर उचित तरीके से इसको ठीक करने का कोशिश नहीं होता तब तक ये समस्या आगे भी चलती रहेगी। और दोस्तों, क्योंकि अभी भी बारिश का दिन शुरू नहीं हुआ है, बारिश का दिन जैसे ही शुरू होगा समस्याएं और बढ़ेगी और इससे पहले कि समस्याएं बढ़े इसको जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करते हुए इसको समाधान करने की ज़रूरत है। फिलहाल जयगो मिरर्स के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता आप सभी से अलविदा लेना चाहूँगा और तमाम जगहों से आप सभी को इसी तरह से विजुअल्स दिखाऊँगा और कहीं पे भी समस्याएं हों अगर हमारे संपर्क में हमारे नज़र में आएगी तो इसी तरह से आप सभी के समक्ष साझा करेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। कीप वॉचिंग जयगो मिरर्स। SHMD school books and stationeries shall be available at Asian Book Distributors at special discount. Visit Asian Book Distributors, ground floor, below Seema Steel, near Reliance Smart Grocery Store, Durga Ridya Mall, NS Road, Jaigaon. Contact +91 9775281398 +97577456946. फूदर्श, एक सक्रिय दिन के लिए ताजा स्वाद। सभी प्रकार के CTC चाय और ग्रीन टी, सभी प्रकार के ग्रेड ऑर्गेनिक और प्रीमियम चाय की विस्तृत श्रृंखला के साथ जयगांव में निकटतम दुकानों पर उपलब्ध है। फूदर्श डुआर्स और सिक्किम में भी उपलब्ध है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए संपर्क करें 9547004803 या ईमेल करें horasproducts@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.foodarsh.com।